हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, दरअसल आईपीयू की वेबसाइट पे जो आपके कोड के लिए थोड़ा सा अपडेट था, मुझे लगा आके दे देना चाहिए, नहीं तो बच्चे मेरे को ही बोलेंगे हाँ जी आप तो कह रहे थे गुरु जी। वैसे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया वो अपडेट, ये रहा जी। वो मैंने यहाँ साइड में खोल भी रखा है। ठीक है जी, ये कहाँ से मिलता है सर आपको अपडेट? आपको भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों ने ही ipu.admission.nic.in, ठीक है, यहाँ पे ये करंट इवेंट्स में अगर यहाँ पे देखेंगे, शेड्यूल फॉर द सबमिशन ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस, काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस के लिए विंडो जो है वो इसमें ये इस ऑर्डर में लिखी गई है जो कि 23 तारीख को आया है, और नीचे मेरी घड़ी में देख सकते हैं आज 23 ही तारीख है। आपका भाई फटाफट से आगे वीडियो बना देता है, ठीक है, 1 मिनट लगाता है आपका भाई। ठीक है, रोल कैमरा एक्शन, ये रोल कैमरा एक्शन, बस इतना सही काम है। चलिए शेड्यूल। हाँ, डिप्लोमा के बच्चे यार बहुत 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 उम्मीद लेते हैं हमसे कि यार हम फटाफट आएंगे और आके जो चीजें हैं वो बताएंगे। बिल्कुल यार, ठीक है। सबमिशन ऑफ द काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस फॉर एनरोलमेंट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन काउंसलिंग यू 25 UG और उसके ओब्लिक में PG UG का मतलब है अंडर ग्रेजुएट और PG पोस्ट ग्रेजुएट, राइट। तो उसकी जो फीस है यहाँ पे वही ऑर्डर में लिखा हुआ है, या जो पार्टिसिपेशन काउंसलिंग की जो फीस है, एनरोलमेंट इन द पार्टिसिपेशन, वो कब से स्टार्ट होगा? 27 जून से स्टार्ट होगा, 27/6/2023। कितने रुपए फीस है जी? 1000 रुपये। आपके बड़े भाई ने पहले बता दिया था 1000 रुपये आपको, अगर आपका रिजल्ट बढ़िया आया, बढ़िया नहीं भी आया तो भी आपको ये 1000 रुपये भर देने चाहिए और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। सर कैसे कैसे होगा? बिल्कुल बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम जाएंगे, आप देख लो जी, यहाँ पे 128 लेटरल एंट्री टू बीटेक प्रोग्राम डिप्लोमा होल्डर, 128 लेटरल एंट्री टू बीटेक प्रोग्राम फॉर BSc ग्रेजुएट, जिसमें टोटली 8 बच्चे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और कोर्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ पे तो जितना जितना भी बच्चा है वो सिर्फ डिप्लोमा का बच्चा है, ठीक है। तो जो पेमेंट है काउंसलिंग की, इसमें लिख रखा है कि वो न, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गारंटी कॉलेज मिले ही मिले, है ना। ये तो एक काउंसलिंग बेसिस ऑफ द मेरिट मिलना है, जो एंट्रेंस टेस्ट में आपकी मेरिट है उसके बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा। हो सकता है आप ऐसे भरो और आपको कॉलेज ना मिले, तो यूनिवर्सिटी वालों की इसके लिए कोई वो नहीं रहेगी और वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से पार्टिसिपेशन कर रहे हो, ठीक है। कैंडिडेट बस यही लिख रखा है कि आपको रेगुलर ये वाली और ये वाली वेबसाइट, मैंने कहा इस वाली वेबसाइट को देखना है तो इसमें आपको नोटिस, यहाँ पे notice.php देखना चाहिए, और अदरवाइज आप ipu.admission.nic.in देख लो। मेरे हिसाब से admission.nic.in देखो, सब कुछ वही है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप आईपी रजिस्ट्रेशन 2023 पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो इससे कैसे यहाँ पे आपको यहाँ पर कॉमन ये, उसके बाद आपका जो भी यूजर नेम पासवर्ड था वो डालेंगे, और जैसे मैं अगर अभी डाल के देखता हूँ, पहले आपको पहले डिटेल जो आगे पढ़ लें फटाफट से, ठीक है सर। 27 से शुरू होगा, आज 23 तारीख है, यानी 24, 25, 26 तक कॉलेज या यूनिवर्सिटी सोच रही है कि आप जो बच्चे हैं वो फटाफट से इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आपका बड़ा भाई आपके लिए पढ़ रहे हैं 5 पेज, ठीक है। एक पेज पढ़ दिया, दूसरे पेज में लिखा है कि ये जो काउंसिल ऑनलाइन सेंट्रलाइज ऑनलाइन काउंसलिंग है वो 27, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 27/6 से लेके 30/6/2023 तक चलेगा, ठीक है। ये 27/6 4 बजे शाम को चालू होगा, यानी आप 24-25 को तो सैटरडे संडे है, 26 को मंडे है, ट्यूसडे यानी मंगलवार को, मंगल काम मंगल ही होते हैं भाई साहब, मंगल काम होते हैं, ठीक है। तो आप भी मंगल मंगल है ना, हनुमान के भगत है हम तो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर 27 को 4 बजे शुरू होगा, आप 27 को रुक जाना, मैं भी आपको फिल करके दिखा दूंगा, और आप 28 को कर लेना। लेकिन अगर आपको लगे कि आपको कर लेना, आपको बड़े भाई की जरूरत नहीं है, तो मर्जी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, 1000 रुपये, और यहाँ पे मैंने कहा 30 तारीख की लास्ट डेट है, फिर फटाफट चलते हैं। ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर द रिजर्व कैटेगरी, जो भी बच्चे रिजर्व कैटेगरी के OBC SC ST, तो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए PWD हो गया, KM हो गया, कश्मीर माइग्रेंट डिफेंस से हो गया, जैन मिनोरिटी, सिख मिनोरिटी, EWS, मुस्लिम आर्मी, तो उसके लिए 28/6 से वो विंडो ओपन हो जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी 6/7/2023 तक। यानी आप जो रजिस्ट्रेशन है वो 30 तारीख तक करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के अगले ही दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल के द्वारा, ठीक है।
वो इवन आपको कॉल करके भी पूछेंगे, कोई चीज आपकी कमी पेशी होगी तो बताएंगे, ऐसे करना है वैसे करना, वो सब चीजें रहेंगी, ये हमारे बारे में नहीं है। बाकी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है ये क्लेमिंग रिजर्वेशन वाले बच्चों के लिए हैं, जो भी ओबीसी, उनका ओबीसी एसटी एससी जो भी रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं तो उनके लिए ये भाई ये उनको जरूर पढ़ लेना चाहिए कि उनका जो भी सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2023 ईडब्ल्यूएस शुड बी इशू आफ्टर 30। ये आपके भाई ने बता दिया कि 31 मार्च के बाद आपका बना होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। यहाँ पे ओबीसी का भी इन्होंने बोला है कि एक पेरेंट्स मेरे को कह रहे थे कि हम जो हैं जी बिहार से हैं, हमारा बिहार का ओबीसी चलेगा दिल्ली का, तो दिल्ली रीजन के चलेंगे ओबीसी। यहाँ पे लिख दिया फॉर क्लेमिंग रिजर्वेशन अगेंस्ट ओबीसी कैटेगरी इन दिल्ली रीजन कैंडिडेट हैव टू अपलोड वैलिड ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू बाय द अथॉरिटी ऑफ दिल्ली इन अकॉर्डेंस विद द लिस्ट ऑफ ओबीसी कैटेगरी। तो जो अगर आपका बाहर का भी है, अगर आपकी कॉलेज यहीं से है, आपका निवास यहीं पे है, तो आप यहाँ अपना बनवा लीजिए 31 मार्च 2023 के बाद वाला लेटेस्ट उसको करा लीजिए। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। एडमिशन ब्रोशर के अंदर काउंसलिंग का एक वो पूरा एक पार्ट दिया होता है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन, वो आपको मैंने शायद बताया भी हुआ, नहीं अगर बताया हुआ तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में काउंसलिंग वाला जो पार्ट है उसको क्रॉप करके अपलोड कर दूंगा। ये है जी हमारा टेलीग्राम वाला ग्रुप, जैसे ही ये ऑर्डर आया था मैंने डाल दिया था। ये है जी हमारा इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के अंदर भी हम जो अपडेट है वो देते रहते हैं। ये है जी हमारे 30 मार्क का जो रैंक आया है ना, जो हमारे धुरंधर बच्चे 2, 3, 5, 9, 10 ये टॉप 10 वाले, फिर ये स्लाइड के चालू हो गए, 5 स्लाइड में आया, 5, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 28, 29, 29 ये आईपी में है शायद, हाँ 29 ये आईपी में, 30 भी आईपी में है, ठीक है। तो भाई बात ये है, ठीक है, फटाफट से उस ऑर्डर को करते कंप्लीट, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं अपना बीच बीच में प्रमोशन कर देता हूँ, यार आपको यार दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वैसे भी ये प्रमोशन हमारा कौन सा नए वाले बच्चे देखने वाले, ये तो पुराने वाले बच्चे हैं, वो तो ऑलरेडी भली भांति जानते हैं इसमें कितना दम देखेंगे हम, क्या बात है, ठीक है। चलो जी चलिए, यहाँ पर अगर हम जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो 1, फिर उसके बाद यहाँ पे बी सी डी चार पार्ट में बनाया हुआ है। सबमिशन ऑफ द काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस 1000 है, आपको वो कैसे डिपॉजिट करनी है जी जी आई पी की साइट पे, यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किससे कर सकते हैं, कुछ चीजें आपको फिल करनी पड़ेंगी, कुछ ऑलरेडी आपकी पहले से जो यूजर में पासवर्ड है वहां से हो रखी होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये ऑर्डर इतना ही था, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आपको एक बच्चा कह रहा था कि सर एस सी एस टी ओ बी सी उसकी आपने कट ऑफ के बारे में नहीं बताया था, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, इसको वैसे ही 4-5 मिनट का रखना चाहता था, वैसे ही 8 मिनट का हो गया। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।